हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। और इस सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग फॉर एएलपी प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। ये सेशन जो भी बच्चे रेलवे एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसमें उन सारे क्वेश्चंस को टारगेट किए जा रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस या फिर एग्जामिनेशन बेस्ड पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, चलिए साथ ही साथ आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेशन में जरूर मेंशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल का स्कैनर, आप लोग इसको स्कैन करके आप उस चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ यूट्यूब लेक्चर का पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल इसमें ज्वाइन हो जाइए। देखिए, ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। आप इस क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं सिंबल एंड नोटेशन चैप्टर का। ठीक है, आपको इसका सॉल्यूशन करके आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखिए, मल्टीप्लाई को प्लस से चेंज किया गया। डिवाइड मीन्स माइनस, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड। देखिए, सिंबल को समझना जरूरी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, और डिवाइड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, और प्लस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को, और ये माइनस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को। अब ये इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन है 182 माइनस 13 मल्टीप्लाई 5 प्लस 16, और यहाँ पे है डिवाइड 44। अब सिंबल को चेंज कीजिए, यहाँ पे 182 माइनस है तो माइनस के जगह पे दे दीजिए डिवाइड, और ये हो जाएगा 13। मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे दे दीजिए प्लस, ये हो जाएगा 5। प्लस है तो यहाँ पे दे दीजिए मल्टीप्लाई 16, और डिवाइड है तो यहाँ पे दे दीजिए आप माइनस 44। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए, 13 से डिवाइड कीजिए 182 को, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 एंड 4 टाइम्स, मीन्स 14 टाइम्स। 14 प्लस 5, अब यहाँ पे देखिए डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 माइनस 44। प्लस प्लस को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 94 माइनस 44 इक्वल्स टू राइट आंसर होगा 50। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। इसे जब भी आप इसे सोल्व करेंगे ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। जिन बच्चों को फैमिली ट्री नहीं मालूम है तो आप लोग उसे एक दो बार फैमिली ट्री उसे ड्रॉ कर लीजिए, आपके माइंड में बैठ जाएगा कि कौन सा रिलेशन किस जनरेशन में जाएगा और किस जेंडर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है एक्स इज द सन ऑफ वाई, एक्स है वो वाई का सन है। एक चीज बताइए, जब वाई का सन है एक्स, तो एक्स का जनरेशन नीचे होगा और वाई का जनरेशन +1 हो जाएगा, और एक्स सन है मीन्स मेल है, तो इसका जेंडर क्या होगा, इसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, सन है तो मेल होगा इसका जेंडर, तो ये क्या होगा एक्स, और ये सन है किसका, वाई का, तो ये हो जाएगा कौन, वाई। वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, वाई वाइफ है जेड का, तो वाइफ मीन्स जेंडर फीमेल, और ये वाइफ है जेड का, तो डबल लाइन से कनेक्ट कर दीजिए जेड, और जेड हस्बैंड हो जाएगा किसका, वाई का, और जेड फादर हो जाएगा किसका, एक्स का। डब्ल्यू इज फादर ऑफ जेड, डब्ल्यू पिता है किसका, जेड का, तो डब्ल्यू का जनरेशन ऊपर होगा और इसका जेंडर मेल होगा। पूछा है सो वाई विल बी डब्ल्यू, वाई है ये डब्ल्यू का क्या होगा, तो डॉटर इन लॉ बहू लगेगी ना, क्योंकि डब्ल्यू का, डब्ल्यू की वाइफ है कौन, ये सॉरी वाई की वाइफ है कौन, जेड की वाइफ है कौन, वाई, जेड की वाइफ है कौन, वाई, और जेड किसका बेटा है, डब्ल्यू का, तो बेटा का वाइफ क्या लगती है, डॉटर इन लॉ। ये है मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि मिसिंग नंबर क्या होगा, फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये दिया गया 13, ये दिया गया है 16, ये दिया गया है 22, ये दिया गया है 33, ये दिया गया है 51।
और ये रहा ब्लैंक, आपको बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। अब ये नंबर स्लो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एडिशन हुआ होगा। 13 से 16 पे जाने के लिए हमें प्लस 3 करना पड़ेगा, 16 से 22 पे जाने के लिए प्लस 6 करना पड़ेगा, 22 से 33 पे जाने के लिए प्लस 11 करना पड़ेगा, और यहाँ पे जब हम चलेंगे 33 से 51 पे चलेंगे तो हमें करना पड़ेगा प्लस में 22, सॉरी 22 नहीं 18 18। अब देखिए क्या चल रहा है डिफरेंस, यहाँ पे देखिए प्लस 3, आप यहाँ पे देखिए प्लस 5, यहाँ पे देखिए प्लस 7, 3 5 7, इसका मतलब है कि अगली बार हमें प्लस 9 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, हमें प्लस करना पड़ेगा 27, और 27 यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51, और प्लस में 27 इक्वल्स टू 78 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं किस टाइप का सीरीज जा रहा है ये। ये रहा आपका हाउ मेनी डाउटर्स डज एम हैव, एम के कितने डाउटर है ये पूछा, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे हाउ मेनी डाउटर्स डज एम हैव, एम की कितनी पुत्री है, पी एंड क्यू आर द ओनली डाउटर ऑफ एन, पी और क्यू है ये ओनली डाउटर है, पी और क्यू है ये ओनली डाउटर है एम के। सबसे पहले हम स्टेटमेंट वन को बनाते हैं, तो स्टेटमेंट वन में बोला गया है एन की एक डाउटर है पी और क्यू, और बाकी जो भी होगा इसका क्या होगा, सन होगा, लेकिन आगे कुछ बोला नहीं गया। आगे चलिए स्टेटमेंट टू में चलिए, तो स्टेटमेंट टू में क्या बोला गया है कि डी इज ब्रदर ऑफ पी, डी है ये भाई है किसका, पी का, डी इज ब्रदर ऑफ पी, तो ब्रदर में जेंडर मेल होगा और ये पी हो जाएगा, एंड सन ऑफ एम। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंड वर्ड यूज होता है किसके लिए, हमेशा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, डी है, ठीक है, डी भाई है किसका, पी का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, एंड सन ऑफ एम और एम का बेटा है, ये डायग्राम बनेगा। अकेले अकेले किसी स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा है, अकेले अकेले दोनों स्टेटमेंट क्या है, फेल है, अकेले अकेले कोई भी स्टेटमेंट आंसर नहीं दे पा रहा है इस क्वेश्चन का, अकेला ये भी नहीं अकेला ये भी नहीं, लेकिन जैसे ही हम दोनों को हम मिला देते हैं, स्टेटमेंट वन प्लस स्टेटमेंट टू को मिलाते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि ये एम हो गया, ये डी हो गया, एम का बेटा है डी, और डी का भाई पी का भाई है डी, और यहाँ से पी का जेंडर फीमेल है, और ये क्यू है, एन का चाइल्ड है, तो ये यहाँ पे एन हो जाएगा। तो एम की कितनी बेटी है, दो बेटी है। जब हमने दोनों स्टेटमेंट को मिलाया तब हमारे पास इसका आंसर आया। तो स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट नहीं, अकेला नहीं है, बट स्टेटमेंट टू इज अलोन इज नॉट सफिशियंट, भाई ये तो नहीं होगा। स्टेटमेंट सेकेंड एलोन इज सफिशियंट, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट टूगेदर आर सफिशियंट बट नाइदर स्टेटमेंट एलोन इज सफिशियंट, सही है, दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है, दोनों कथन को जब हम एक बार मिला देंगे, एक साथ मिला देंगे, तब ये हमारा आंसर कर सकता है, लेकिन दोनों अकेले अकेले नहीं करेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फाइव, ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर फाइव में कि ये टिम्बर का कोड दिया गया है और आपसे पूछा है ट्रेल का कोड। देखिए अगर कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत होती है तो जो भी वर्ड दिया गया है और उस वर्ड में जो भी लेटर्स हैं इनके पोजीशन को आप नोट डाउन कर दीजिए, और कोड में जो भी लेटर्स दिए गए हैं इनके पोजीशन को आप नोट डाउन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यू है, यहाँ पे क्या है, के है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जे है, और यहाँ पे एक्स है। अब देखिए टी का पोजीशन 20, आई का पोजीशन 9, एम का 13, बी का 2, ई का 5, आर का 18 है, यू का 22 है, के का 11 है, पी का 16 है, एफ का 6 है, जे का 10 है, एक्स का 24 है, ठीक है। यहाँ पे 20 में प्लस 1 किए तो 21 आ गया, 9 में प्लस 2 किए तो 11 आ गया, एम में प्लस 3 किए तो 16 आ गया, पी आ गया, और बी में प्लस 4 कर दिए तो एफ आ गया, ई में
प्लस 5 कर दिए तो j आ गया, और r में +6 कर दिए तो 24 आ गया। ये क्या चल रहा है, नेचुरल नंबर चल रहा है एडिशन में। मीन्स आपसे पूछा है किसका, ट्रेल का कोड पूछा है, TRAIL। अब देखिए टी का पोजीशन होता है 20, आर का 18, ए का 1, आई का 9 और एल का 12। तो यहाँ पे टी प्लस 1 कर देंगे 21 हो जाएगा। 21 पे यू कौन सा ऑप्शन में यू स्टार्ट हो रहा है, ए कैंसिल, मीन्स ए सी और डी कैंसिल हो गया, यू से कौन स्टार्ट हो रहा है, बी स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इस तरीके से एलिमिनेट कर लीजिएगा। अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो सेम पैटर्न अप्लाई कर दीजिए, 18 में +2 कर दीजिए 20, 20 पे आएगा टी, और इस बार ए में +3 कर दीजिए तो यह आ जाएगा 4, 4 पे आता है डी, आई में +4 कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और 13 पे आएगा एम, और एल में +5 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 17 और 17 पे आता है क्यू। UTDMQ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है कि सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर होगी एक एक पॉइंट्स। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ये दिया गया है कि श्वेता इज द डॉटर ऑफ आकांक्षा, श्वेता है ये डॉटर है किसकी, आकांक्षा की। ठीक है, द ओनली सिस्टर ऑफ अमन, ये इकलौती बेटी है किसकी, अमन की, ये इकलौती बेटी है किसकी, अमन की। अमन्स ब्रदर इज वीना, मेघा इज द मदर ऑफ वीना, मेघाज हस्बैंड इज रोशन, ये दिया गया है। देखिए श्वेता इज द डॉटर ऑफ आकांक्षा, श्वेता डॉटर है आकांक्षा की, तो ये आकांक्षा हो जाएगी। आकांक्षा, ध्यान रखिएगा जब तक जेंडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कंफर्म नहीं किया गया है तब तक आप उसके आंसर को नहीं कर सकते, सॉरी उसके जेंडर को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नाम से किसी भी पर्सन का जेंडर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ब्लड रिलेशन टॉपिक में। आकांक्षा की डॉटर है श्वेता, तो श्वेता का जनरेशन नीचे होगा और डॉटर है मीन्स इसका जेंडर फीमेल होगा। आगे बोला गया है द सिस्टर ऑफ अमन, ये सिस्टर है किसके, अमन की सिस्टर है ये। अब ये अमन की सिस्टर है, ठीक है, अमन की सिस्टर है तो ये बताइए अमन कहां पे आएगा, अमन्स मदर इज वीना। देखिए श्वेता अमन की इकलौती बहन है, आकांक्षा की बेटी है, मतलब यहां पे ये जो सिस्टर है ये किसकी है, ये अमन की सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही है ये श्वेता के बारे में। अमन्स मदर इज वीना, अमन्स की माता कौन है, वीना है। वीना, ठीक है। आगे देखिए ये बोला गया मेघा इज द मदर ऑफ वीना, मेघा मदर है किसकी, वीना की, और वीना मदर है किसके, अमन की। मेघाज हस्बैंड रोशन, मेघाज का हस्बैंड है कौन, रोशन। रोशन, वर्षा इज द मदर इन लॉ ऑफ रोशन, वर्षा मदर इन लॉ है रोशन की। चलिए यहां पे नहीं हो पाएगा डायग्राम, साइड में ले लूं क्या, यहां पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। श्वेता सिस्टर है किसके, अमन की, और यहां पे कौन है, आकांक्षा। और वीना मदर है अमन की, सॉरी 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 डायग्राम मिस्टेक हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहां पे ये बोला गया है कि जो श्वेता है ये डॉटर है किसकी, आकांक्षा की, द ओनली सिस्टर ऑफ अमन, अमन की इकलौती बहन है आकांक्षा, सॉरी तो ये अमन है। ये अमन है, अमन की इकलौती
सिस्टर है आकांक्षा, एकलौती बहन है, मीन्स अगर और भी इसके कोई सिबलिंग होगा तो ये ब्रदर होगा, और इसी की डॉटर है कौन, श्वेता। श्वेता ठीक है। अमन्स मदर इज वीना, अमन की माता है वीना, ये डायग्राम होगा। मेघा इज द मदर ऑफ वीना, मेघा मदर है किसकी, वीना की, तो ये मेघा हो गई। मेघा मदर है किसकी, वीना की। मेघा हस्बैंड रोशन, मेघा के हस्बैंड है कौन, रोशन, जेंडर मेल होगा। आगे बोला गया है वर्षा इज द मदर इन लॉ ऑफ रोशन, वर्षा मदर इन लॉ है। अच्छा साइड में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये अमन है, अमन की सिस्टर है आकांक्षा, आकांक्षा की डॉटर है श्वेता, अमन की मदर है वीना, और वीना की मदर है मेघा, और मेघा के हस्बैंड है रोशन, और रोशन की मदर इन लॉ है कौन, वर्षा। ये डायग्राम होगा ठीक है, ये डायग्राम होगा। इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहां पे आपसे ये पूछा है कि हाउ इज श्वेता रिलेटेड टू रोशन, श्वेता है ये रोशन से किस तरीके से रिलेटेड है, तो रोशन की डॉटर है वीना, और वीना की डॉटर है आकांक्षा, और उसी की बेटी है, मीन्स रोशन की ग्रैंड डॉटर की डॉटर है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर पर पोती, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया गया फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट सीरीज पे कौन सा आंसर होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखिए, तो नेक्स्ट ट्रायंगल में जाकर ये वाला पार्ट डार्क बना है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा डार्क बना है, तो ये जो सर्कल है, तो इसमें यहाँ पे जो सर्कल आएगा, तो ये सर्कल ये वाला डार्क हिस्सा होगा, और ये हमें दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर 2, और ये 2 किस में है, नहीं, 2 नहीं, ये वाला है ना, 2 नहीं, ये वाला है ना, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला डार्क, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, ये देखिए। तो यहाँ पे जब इस डायग्राम में यहाँ पे आएगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ये वाला, और ये हमें दिखाई दे रहा है 5 में, और ये 5 है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। आगे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ये दिया गया है आपका 5 बॉयज हैं ए बी सी डी ई, 3 गर्ल्स हैं एफ जी एच, ये सभी एक सर्कुलर सेंटर में, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, और ये फेसिंग है सेंटर, ए इज द ओनली बॉय सीटेड बिटवीन 2 गर्ल्स, ए एकलौता लड़का है जो कि 2 लड़कियों के बीच में बैठा है, ये गर्ल्स हो गए, ये सर्कल है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है ना, 8 है, तो एक बार हम प्लस सिंबल लेते हैं और एक बार मल्टीप्लाई सिंबल, हो गए टोटल 8, ये हो गया। फेसिंग सेंटर है तो सेंटर दे दीजिए, ए एकलौता लड़का है जो कि 2 लड़कियों के बीच में बैठा है, हमें नहीं मालूम कि कौन सी गर्ल्स यहां पे होगी, तीनों में से कोई होगी। आगे बोला गया है कि बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, हुई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, हु किसके लिए यूज हुआ, एच के लिए। अब यहाँ से कंफर्म हो गया, या तो एच यहाँ पे होगा, या तो अगर हम इस डायग्राम, अगर हम ये एक डायग्राम यहाँ पे लेते हैं, तो
तो फिर ये भी बनेगा कि h a के इमीडिएट राइट में चला जाएगा, ये बनेगा, यहाँ पे a होगा, ये सर्कल होगा, ये भी सर्कल होगा, और ये यहाँ पे h होगा, और h के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, f बैठा है, मीन्स f यहाँ पे और इसमें f यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिए, f कौन है, गर्ल्स है, मीन्स यहाँ पे कौन हो जाएगी f का जेंडर, फीमेल, ठीक है। इस वाले डायग्राम में तीनों गर्ल्स आ गए, लेकिन यहाँ पे एक गर्ल्स बची हुई है, f हो गए, f गर्ल्स हैं, h गर्ल्स है और एक g। अब यहाँ पे एक गर्ल्स बची हुई है, वो कौन होगी नहीं मालूम, देखते। आगे बोला गया है कि C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, C है वो B के इमीडिएट लेफ्ट में है, वन ऑफ द B's नेबर इज अ गर्ल, B का एक नेबर है जो कि गर्ल्स है। अब देखिए C है वो B के इमीडिएट लेफ्ट में, अब इमीडिएट लेफ्ट में है, अब B अगर मान लीजिए कि हम सेकेंड डायग्राम की बात कर रहे हैं, अगर हम सेकेंड डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि हम बी को यहाँ पे देंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पे सी को बैठा सके, नहीं नहीं, यहाँ पे अगर हम बी को देते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, बी को यहाँ पे तो सी को यहाँ पे बैठा देंगे, लेकिन बी का एक नेबर होगा जो कि गर्ल्स होगी, ठीक है, जो कि गर्ल्स होगी। अब ये भी ध्यान रखना है कि ए है वो थर्ड लेफ्ट बैठे बैठा है, कौन, बी के, किसके, बी के, जहाँ पे बी बैठा है ना उसके तीसरे बाएं में ए बैठा है, तो अगर हम बी को यहाँ देंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेफ्ट आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हम बी को मान लीजिए कि हम यहाँ पे देते हैं तो एक दो तीन चार, ये डायग्राम किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है, इसमें आ जाइए, तो बी के थर्ड लेफ्ट में है मतलब बी यहाँ पे, और बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है तो मतलब ये होगा, और एक गर्ल्स बची है तो ये गर्ल्स कौन बच गई, यहाँ पे एफ हो गया, एच हो गया, तो जी बचेगी, यही पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि बी है वो ई के सेकेंड लेफ्ट में, ई के सेकेंड लेफ्ट का मतलब है कि ई यहाँ पे और ई का जेंडर मेल, और सी का भी जेंडर क्या होगा, मेल, एक पर्सन बच गया, कौन सा बच गया यहाँ पे, ए बी सी, बी का भी जेंडर मेल होगा, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ई भी आ गया, डी बचा हुआ है ना, तो डी को यहाँ पे दे दीजिए, जेंडर क्या होगा, मेल। आपसे पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन कि हु सिट्स अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट में एच बैठा है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है वाटर इमेज, तो वाटर इमेज बनाने के लिए हमेशा ध्यान से समझिएगा, अगर मिरर को बॉटम में रख देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर इमेज में, मतलब इसका इमेज जो है इसका इमेज नीचे बनेगा, ये एक्स पिक्चर का नेम दिया गया है, ये मत समझिएगा कि इसी डायग्राम में है एक्स, मतलब ये जो लाइन, ये जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन ऐसे आएगा, ठीक है, ये लाइन ऐसे आएगा एज इट इज। अब देखिएगा ये लाइन जब ऐसे आया तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना नीचे की ओर, ये डायग्राम ऊपर की ओर जाएगा और ये पूरा डार्क वाला हिस्सा होगा। अब ये किस में दिखाई दे रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास, और ये भी पॉसिबल नहीं है, तो बचा कौन सा हमारा, फोर बचा, और फोर किस में दिखाई दे रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, ये बोला गया है कि 6 पर्सन है, ये रजिस्टर कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्स को, ऑनलाइन कोर्स को रजिस्टर कर रहे हैं ये, और जब ये ऑनलाइन कोर्स को रजिस्टर कर रहे हैं तो कौन कौन से मंथ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त एंड नवंबर, मंथ्स भी यहाँ पे 6 दिए गए हैं, 6 पर्सन भी है, द वन हु विल रजिस्टर डिजाइन कोर्स विल डू सो इन द मंथ्स दैट हैव 31 डेज, विल द वंस हु रजिस्टर फॉर अ कोर्स विल डू सो इन द मंथ इन द अदर मंथ्स। अच्छा, हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए अगर दिक्कत हो रही है तो ये रहा आपका हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये है पजल टाइप का, क्योंकि रेलवे में पजल भी पूछा जाता है और एएलपी का एग्जाम है। अब देखिए
यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल मंथ्स को लिख देते हैं, टोटल नहीं जितना मंथ्स दिया गया है हम उसी मंथ्स को लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका पर्सन, और ये हो जाएंगे, छोड़िए कोई बात नहीं, पर्सन्स। अब टोटल मंथ्स कितने हैं, सिक्स हैं, स्टार्ट हुआ है फरवरी से, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया आपका अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया अगस्त, और एक और मंथ है जो कि हो जाएगा नवंबर। फरवरी की अगर मैं बात करूं तो फरवरी होता है 28 या 29, मार्च होता है 31, अप्रैल हो गया आपका 30, मई 31, अगस्त 31 और नवंबर 30। देखिए ये बोला गया है कि द वन हु विल रजिस्टर फॉर अ डिजाइनिंग कोर्स, जो डिजाइनिंग कोर्स के लिए जाते हैं वो कौन से मंथ में जाएंगे, जिस मंथ में 31 डेज होंगे, मतलब कि मार्च में डिजाइनिंग होगा, ठीक है, या फिर ऐसे समझिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं, जो डिजाइनिंग है ये 31 डेज वाले मंथ्स में होंगे। आगे देखिए, आगे बोला गया है कि एंड वाइल जबकि द वन हु विल रजिस्टर फॉर अ कोडिंग कोर्स विल डू इन द अदर मंथ्स, जो कोडिंग है ये अदर मंथ्स में होंगे, मतलब कि 31 31 दिन वाले मंथ्स को छोड़कर। एफ एंड एक्स विल रजिस्टर फॉर सेम कोर्स, एफ एंड एक्स सेम कोर्स है, सेम कोर्स। आर विल रजिस्टर इमीडिएट आफ्टर एफ, एफ जब भी रजिस्टर करेगा इसके ठीक बाद में आर रजिस्टर करेगा। टी इज द लास्ट वन द रजिस्टर फॉर द डिजाइनिंग कोर्स, अच्छा डिजाइनिंग कोर्स के लिए टी लास्ट है, तो डिजाइनिंग कोर्स के लिए टी लास्ट है, तो डिजाइनिंग कोर्स 31 दिन वाले मंथ में, मतलब कि अगस्त में टी आएगा, हमने रख दिया। टू पर्सन विल रजिस्टर बिटवीन एक्स एंड एन, एक्स और एन के बीच में दो पर्सन है, हमें नहीं मालूम कि एन कहाँ पे होगा और एक्स कहाँ पे होगा। आगे बोला गया है क्यू इज नॉट रजिस्टर इमिडिएट आफ्टर एन, क्यू है ये एन के ठीक बाद नहीं जाएगा। आगे बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग विल रजिस्टर फॉर द कोडिंग कोर्स, कोडिंग कोर्स के लिए कौन होगा। देखिए अब सबसे पहले समझिएगा, एफ और एक्स दोनों सेम कोर्स के लिए है, एफ और एक्स दोनों सेम कोर्स के लिए है ना। अब एक चीज समझिएगा, जब एफ और एक्स दोनों सेम कोर्स के लिए है नवंबर, ठीक है, सेम कोर्स के लिए एफ और एक्स, एफ एंड एक्स, टू पर्संस विल रजिस्टर बिटवीन एक्स एंड एन, ठीक है, आर है वो एफ के ठीक बाद में जाएगा, एक्स एफ एंड एक्स विल रजिस्टर फॉर द सेम कोर्स, ठीक है, तो सेम कोर्स के लिए रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एफ और एक्स सेम कोर्स, एफ और एक्स सेम कोर्स, अच्छा एक मिनट, द वन हु विल डिजाइनिंग कोर्स विल डू इन द मंथ दैट हैव 31st, एंड द वन हु विल रजिस्टर फॉर अ कोडिंग कोर्स डू सो इन द अदर मंथ्स, अच्छा कोडिंग अदर मंथ्स, तो पॉसिबल यही था कि दो लगातार मंथ्स में 30 दिन वाला मंथ्स होना चाहिए था,
ये पॉसिबल है, एफ और एक्स सेम कोर्स, हाँ ठीक है पॉसिबल है, सेम कोर्स बोला है लेकिन लगातार बैठा है ये नहीं बोला है, मतलब या तो एफ यहाँ पे होगा तो एक्स यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा तो एक्स यहाँ पे होगा, एक्स यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे होगा, एक्स यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे, कहीं भी हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है इस पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जहाँ पे एफ बैठा है इसके ठीक बाद में एन बैठेगा, एन बैठेगा, देखिए सबसे पहले तो टी यहाँ पे आ चुका है, और जहाँ पे एफ बैठेगा इसके ठीक बाद में आर बैठेगा। अगर मान लीजिए कि हम एफ को यहाँ पे देते हैं तो अब एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ये कंडीशन ये था, और आर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक्स और एन के बीच में दो है तो नीचे पॉसिबल नहीं है, तो हम एन को ऊपर दे सकते हैं, ये कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि टी डिजाइनिंग में सबसे लास्ट पर्सन है तो टी यहाँ पे होगा, पॉसिबल है कि हो सकता है कि हम एक बार एफ को डिजाइनिंग मान लिए ना, ये तो मान लिए, लेकिन ज़रूरी है कि ये डिजाइनिंग ही होगा, पॉसिबल नहीं है, ये कोडिंग का भी तो कर सकता है, तो एफ यहाँ पे तो एक्स यहाँ पे होगा या तो एक्स यहाँ पे होगा, क्लियर है। अब हम एक्स को यहाँ पे देते हैं तो फिर ऊपर पॉसिबल नहीं है, तो एक दो एन को यहाँ देना पड़ेगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहानी कुछ भी हो सकती है। अभी क्यू विल नॉट रजिस्टर बिफोर एन, इमीडिएट बिफोर एन, अच्छा इमीडिएट बिफोर एन बोला है ना, हम इमीडिएट आफ्टर कर दिए, इमीडिएट बिफोर एन मतलब ये क्यू है ये एन है तो यहां पे नहीं होगा, इमीडिएट बिफोर मतलब क्यू पहले हो भी सकता है लेकिन इमीडिएट बिफोर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, टी इज लास्ट फॉर द डिजाइनिंग कोर्स, टू पर्सन विल रजिस्टर इन एक्स एंड एन एंड क्यू, ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ पे फिर हमें या तो क्यू यहाँ पे आ जाए या तो क्यू यहाँ पे आ जाए, ये पॉसिबल है। एफ आर हो गया, एफ आर हो गया तो एन भी एक्स भी बैठ गया, क्यू भी बैठ गया, टी भी बैठ गया, और कौन सा बच गया यहाँ पे, सबसे पहले पर्सन की मैं बात करूँ तो एक एफ दिया गया, एक्स दिया गया, आर दिया गया, टी दिया गया, एक एन है एक क्यू है, एक दो तीन चार पाँच छ, तो एक दो तीन चार पाँच, एक बच गया क्यू, तो क्यू ये हो सकता है। अच्छा इसमें इसमें हमारे पास आर बच गया ना, तो आर को यहाँ पे देंगे तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये भी है। अच्छा और भी यहाँ पे देखिए, अगर हम और भी बात करें, तो एक्स भी पहले हो सकता है, ये तो नहीं दिया गया है ना कि एक्स ही पहले होगा, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया है, केवल ये बोला गया है कि एक्स और एन के बीच में दो पर्सन है, तो ये भी कंडीशन हम चेक कर लेते हैं क्योंकि आपको चेक करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम दे देते हैं एक बार एक्स को देते हैं, टी तो यहाँ पे फिक्स ही है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे नहीं आ पाएगा, एक्स यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एफ को, और एक दो यहाँ पे देना पड़ेगा एन को, एन हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए आर, ये कंडीशन गलत हो गया। आगे चलिए, एक्स यहाँ पे दिए हैं तो टी तो यहाँ पे होगा, तो फिर हम एक बार एफ को यहाँ पे दे नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि नीचे फिर आर को बैठाने के लिए जगह नहीं है, ये भी कंडीशन गलत हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा कंडीशन ले सकते हैं यहाँ पे, अच्छा एक बार हम टी को यहाँ देते हैं, और एक्स को यहाँ पे देते हैं, एक्स यहाँ पे हो गया तो फिर या तो एफ यहाँ पे हो जाए या तो फर्स्ट में एफ हो जाए, ये कंडीशन बन रहा है अभी, ये आर हो जाएगा है ना,
ये टी है, ये आपका एफ है, एक्स को हम यहाँ पे दिए हैं तो फिर एक्स और एन के बीच में दो है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स और एन के बीच में नंबर ऑफ पर्सन दो है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक बार हम यहाँ से एफ को हटाते हैं, ये एक्स तो ये एफ, हाँ ये तो चल ही रहा था यहाँ पे। चलिए ये इसमें से कोई भी डायग्राम पॉसिबल नहीं है, हमारा यही दो डायग्राम होगा। और ये दो में से देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एफ एंड एक्स सेम कोर्स आर विल रजिस्टर इमीडिएट आफ्टर एफ, ठीक है ये भी ठीक है। टी है लास्ट है डिजाइनिंग कोर्स वाला, तो टी लास्ट में हो गया। दो व्यक्ति है एक्स और एन के बीच में, एक्स और एन के बीच में दो व्यक्ति हो गया। क्यू नॉट रजिस्टर इमीडिएट बिफोर एन, एन के ठीक पहले क्यू नहीं है, एन के ठीक पहले क्यू नहीं है। अच्छा हु विल रजिस्टर फॉर कोडिंग कोर्स, कोडिंग कोर्स के लिए कौन है, तो डिजाइनिंग के लिए एफ हो गया, एक्स हो गया, टी हो गया इसमें से। क्यू विल नॉट रजिस्टर्ड इमिडिएटली बिफोर एन, अच्छा एक मिनट यहाँ से हम इमिडिएट को हटाते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है इमिडिएट के कारण यहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है। अगर ये स्टेटमेंट रहा कि क्यू विल नॉट रजिस्टर बिफोर एन, एन के पहले नहीं है, तब तो ये डायग्राम गलत होगा, फिर सही हमारा ये चलेगा। और ये सही है तो सेम कोर्स क्यू एफ एक्स, क्यू एफ और एक्स नहीं, सेम नहीं है क्योंकि क्यू क्यू और एफ, क्यू क्यू आपका कोडिंग के लिए, एफ और एक्स डिजाइनिंग के लिए, तो ये नहीं होगा। एफ एक्स टी, एफ एक्स टी ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आर एक्स एन, आर एक्स एन नहीं, ये भी नहीं होगा। एन आर क्यू, एन आर क्यू, एन आर क्यू ये भी ठीक है। कोडिंग कोर्स के लिए पूछा था ना, कोडिंग कोर्स, तो कोडिंग कोर्स आपका 30 वाला हो जाएगा, 30 वाला हो जाएगा, तो ये एफ वाला हट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ये जो सही होगा हमारा आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो इमीडिएट दिया गया था ना इमीडिएट बिफोर, वही गलती कर रहा था, तो इमीडिएट नहीं होगा। देखिए कोडिंग कोर्स है कौन सा, ये कोडिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया डिजाइनिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ये कोडिंग हो गया, ये डिजाइनिंग कोर्स हो गया, ये डिजाइनिंग हो गया, और ये क्या हो गया कोडिंग हो गया। तो कोडिंग वाला में कौन कौन है, कोडिंग वाला में आपका एन हो गया, आर हो गया और क्यू हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, इसका पूछा है इमेज क्या बनेगा, इसका इमेज क्या बनेगा ये आपसे पूछा है। एक चीज देखिए, जो इमेज अगर मैं इसकी बात करूं, इसका इसका इमेज क्या बनेगा, एक चीज बताइए आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्या। आप सबसे पहले इस वाले हिस्से को देखिए, ये वाला हिस्सा तो ये साइड जाएगा, मतलब कि ये वाला तो गलत हो जाएगा आपका, और आपका ये भी गलत हो जाएगा, बच गया दो। और जो ये दो बचा है ना, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये नीचे, ये जो इस टाइप से देख रहे हैं ये सर्कल, ये वाला ये राइट साइड की ओर है, तो ये जाकर यहाँ पे ये लेफ्ट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, तो ये तो आपका गलत हो गया, बी बचेगा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर टी।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, इसमें पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें दिए गए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, जब भी एक स्क्वायर दिया हुआ रहता है, एक स्क्वायर में जब दोनों डायगोनल ड्रॉ किए हुए रहते हैं, तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई टू। हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई टू मीन्स हाईएस्ट नंबर है चार और गुना दो नंबर ऑफ ट्रायंगल एट। तो ऐसे ऐसे कितने बॉक्स हैं, एट ट्रायंगल इसमें होगा, एट ट्रायंगल इसमें होगा और एट ट्रायंगल इसमें होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 24 तो इस तरीके से हो गए। अब जब दो बॉक्स आपस में कनेक्ट होते हैं ना, दो बॉक्स, और दोनों बॉक्स में दोनों डायगोनल ड्रॉ किए हुए रहते हैं, तो इस तरीके के कंडीशन में यहाँ पे दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनता है इस कम्बिनेशन, ये इसको कम्बिनेशन बोलते हैं, जहाँ पे वो लाइन को कम्बिनेशन बोलेंगे जहाँ पे दो बॉक्स आपस में जुड़ते हैं। तो एक ट्रायंगल आपका ये बनता है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये बनता है। तो आप देखिए, एक आपका ये बन रहा है और एक आपका ये बन रहा है, कितने हो गए, चार प्लस चार ट्रायंगल कर दीजिए। इसके बाद ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, कौन सी वाली कॉम्बिनेशन देखिए, जिसे मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल ये बनेगा और दूसरी ट्रायंगल ये बनेगा, एक कॉम्बिनेशन से दो ट्रायंगल बनते हैं, तो कितनी हो गए यहाँ पे, प्लस चार। एक और दो, नहीं दो दो ही बनेगा ना, दो दो ट्रायंगल बनेगा ना, चार कैसे कर दिया मैं, 24 तो ये हो गए और प्लस दो ट्रायंगल, और यहां पे भी क्या होगा, प्लस दो ट्रायंगल, कितने हो गए, 24 ट्रायंगल। आगे देखिए, 24 ट्रायंगल तो हो गए, लेकिन इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है क्या, एक्स्ट्रा बन रहा है ना, कौन सी वाली, ये वाले, ये वाले, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल, एक्स्ट्रा ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना होगा और इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 25। आठ तीय 24, नहीं 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 सॉरी गलती कर दी ना, 24 दो 26, 26 और दो 28, 28 और चार 32 होगा ना, एडिशन गलती क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस 32 होगा, 32 चार दो छः दो आठ, ये हो गया 8 और इसमें से आपका बन गया एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बड़ा वाला, कितना हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल, 29 होगा ये, देखिएगा ध्यान से, देखिए कौन कौन से, ऐसे देखिए, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, सबसे पहले एक बॉक्स में जब दोनों डायगोनल ड्रॉ किए हुए रहते हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 8, इसमें भी 8 होगा और इसमें भी 8 होगा, कितने हो गए, 24 हो गया ये। और जिस लाइन से दोनों बॉक्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं उसको बोलते हैं कम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन से दो ट्रायंगल बनता है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, 24 और दो कितने हो गए, 26। और उसी तरीके से ये भी कॉम्बिनेशन का काम कर रहा है, जिसे मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, और इससे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है एक, और इससे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है दो, ठीक है। तो प्लस दो हो गए, कितने हो गए, 26, और एक ट्रायंगल और भी बन रहे हैं, इसको मैं डिफरेंट कलर से अरेंज करता हूँ, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला, ये वाला अब देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, कितने हो गए, 29, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 ये दिया गया है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिएगा इसको, किसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा।
सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फाइव फाइव ट्वेंट 127 3340 13 क्वेश्चन मार्क 2184 दिया गया है। तो एक बात बताइए, इसमें 5 का क्यूब माइनस 5 कर दे तो 125 माइनस 5 कर दे तो 120 बनेगा क्या? तो ये जो 7 का क्यूब दिया गया है तो माइनस 3 कर देंगे तो 343, और माइनस 3 कर देंगे तो 340 बनेगा क्या? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी तो हमें करना होगा। यहाँ पे जब हम 13 का क्यूब माइनस क्वेश्चन मार्क करेंगे तो 2184 आएगा। अरे आएगा 2184, ठीक है। अगर हम इसका क्यूब निकाले 13 का तो ये आता है 2197, और माइनस में क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 2184। अब 2197 और ये साइड आकर माइनस हो जाएगा 2184 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 0, 13 होगा। यहाँ पे 13 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 सिलॉक्स का क्वेश्चन है। इसके डायग्राम को बिल्कुल सही से आपको बनाना होगा। नो गिटार इज वायलिन, कोई भी गिटार वायलिन नहीं है। मीन्स गिटार और वायलिन के बीच में नो का रिलेशन है। ये गिटार हो गया और ये क्या हो गया, वायलिन हो गया। इसके बीच में नो का रिलेशन है। ऑल वायलिन आर स्ट्रिंग्स, सभी वायलिन क्या है, स्ट्रिंग है। ये हो गया। इसके बाद बोला गया नो स्ट्रिंग इज मेटल, मेटल और स्ट्रिंग के बीच में नो का रिलेशन है, तो ये डायग्राम बन जाएगा मेटल का। कंक्लूजन बोला है नो स्ट्रिंग बीइंग वायलिन इज अ पॉसिबिलिटी। नो स्ट्रिंग वायलिन, नो स्ट्रिंग बीइंग वायलिन इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो गलत है ना। ये गलत क्यों है, क्योंकि एक बात बताइए मेरे को यहाँ पे, कि जो वायलिन है ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर है। इसमें कौन कौन आ गया, इसमें वायलिन और प्लस स्ट्रिंग्स दोनों हो गए ना। तो ये तो पॉजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंक्लूजन है निगेटिव, गलत। और साथ ही साथ पॉसिबिलिटी लगा दिया, तो जो गलत होते हैं उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दीजिए तो ऑलरेडी गलत हो जाएगी। सम गिटार्स आर नॉट स्ट्रिंग, सम गिटार्स आर नॉट स्ट्रिंग, कुछ गिटार स्ट्रिंग नहीं होंगे। भाई ये तो पॉसिबल नहीं, पॉसिबिलिटी में हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि ये अगर हम इसका पॉसिबिलिटी का डायग्राम बनाए, इसका पॉसिबिलिटी का डायग्राम बनाए, तो ये गिटार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वायलिन हो जाएगा। ये दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, इसको क्रॉस कर दिए, लेकिन ये तो पॉसिबल बन सकता है ना, ये स्ट्रिंग्स हो जाएगा, ये स्ट्रिंग्स हो जाएगी। मतलब कि वायलिन तो स्ट्रिंग के अंदर आ सकता है, लेकिन हाँ जितना एरिया में वायलिन है उस एरिया में ठीक है, जितना एरिया में वायलिन है उतना एरिया में गिटार नहीं आएगा, बाकी एरिया में तो आ सकता है ना, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कहां से, तो नाइदर कंक्लूजन वन और नॉट टू फॉलोज, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी होगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है कि देखिए, सबसे पहले इसके जो शेप दिया गया है उसको पहचानिए। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, सिंगर को, ये क्या हो जाएगा, सिंगर। जो क्लर्क है, क्लर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्लर्क। और जो ट्रायंगल है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बोला है एंड देयर प्रोपोर्शनेट नंबर आर डिपिक्टेड बाई द नंबर्स गिवेन विद इन द डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर कुछ नंबर दिए गए हैं और क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि ऐसे कितने पर्सन हैं जो मेल क्लर्क है लेकिन सिंगर नहीं है, मेल क्लर्क लेकिन सिंगर नहीं।
मतलब कि ये जो एरिया है ये सर्कल वाला नंबर नहीं आना चाहिए, तो कौन सा बच गया? ये 20 बच गया, यही तो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, यहाँ पे थी पुलिस एंड क्रिमिनल के बीच में, थी पुलिस और क्रिमिनल के बीच में रिलेशन, तो एक बात बताइए, जो थीफ होते हैं ये चोरी करना भी तो एक क्राइम है, और जब ये क्राइम है तो ये क्रिमिनल के अंदर ही तो आएगा हाँ? और पुलिस क्या होगा? अलग होगा। पुलिस क्या करती है? क्रिमिनल लोग को पकड़ती है, पनिश करती है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन का। इसमें जो ये डायग्राम दिया गया है, पी मल्टीप्लाई क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, पी प्लस क्यू मीन्स पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, एंड पी डिवाइड क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एल इज मैटरनल अंकल, एम मैटरनल अंकल बोले या पैटरनल अंकल बोले, मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, मेल मीन्स एल होगा, जिसमें एल का जेंडर मेल होगा उस ऑप्शन को रखेंगे, बाकी को हटाएंगे। एल मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई मदर रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे एल का जेंडर फीमेल आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। पी माइनस क्यू, पी यहाँ पे एल, अच्छा एल प्लस है ना, एल प्लस डी, प्लस रिप्रेजेंट करा ब्रदर, मेल है इसको रखिए, एल माइनस फादर मेल है इसको रखिए, अभी डिवाइड रिप्रेजेंट करा है सिस्टर, ये गलत। या तो आप दोनों को डायग्राम बनाइए, या फिर इससे क्या कर सकते हैं आप, फैमिली ट्री से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, यह है एल प्लस डी माइनस एन और डिवाइड बी, यही दिया गया। एल प्लस डी, एल इज ब्रदर ऑफ डी, मीन्स ये दोनों हैं, ये क्या होंगे, सेम जनरेशन, सेम जनरेशन को जीरो लिखते, प्लस जीरो। आगे देखिए, प्लस हटा दीजिए, जीरो जनरेशन, जीरो जी। आगे देखिए डी माइनस एन, डी डी है, डी फादर है किसका, एन का, फादर है तो डी का जेंडर क्या होगा, मेल, और डी है ये प्लस वन जी में जाएगा, वन जनरेशन में, और एन डिवाइड बी, एन सिस्टर है किसके, बी के, तो ये दोनों जीरो जनरेशन में होगा। देखिए यहां पे मैटरनल अंकल लग रहा है क्या, नहीं, ये तो यहां पे क्या हो गया, पैटर्नल अंकल, ये क्या हो गया, पैटर्नल अंकल, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, कैंसिल। आगे देखिए, आगे की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए, अगर आप चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, तो ये दिया गया है एल माइनस डी माइनस एन प्लस बी, यही दिया गया है ना। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर, तो एल है ये सिस्टर है डी के, तो ये दोनों जीरो जनरेशन में होगा, जीरो जी। डी माइनस एन, ये भी क्या हो गया, सिस्टर, अच्छा माइनस है ना, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा फादर, सॉरी फादर, फादर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो एल है ये प्लस वन जी में हो गया, प्लस वन जनरेशन। डी, डी फादर है किसके, डी माइनस एन, तो डी भी फादर हो गया किसका, एन का, तो ये भी प्लस वन जनरेशन में डी, और डी माइनस एन, और यहाँ पे दिया गया है कि एन प्लस बी, एन इज ब्रदर ऑफ बी, ये बन गया, तो बी का तो पैटर्नल अंकल आ रहा है। अच्छा मल्टीप्लाई है तो मदर खत्म,
और डिवाइड है ये सिस्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी खत्म। देखिए एक मिनट, यहाँ पे हम एक बार बी को चेक करते हैं, एल प्लस डी मीन्स एल इज ब्रदर ऑफ डी, ये हो गया। आगे बोला गया है डी माइनस एन, डी इज फादर ऑफ एन, ये हो गया। आगे बोला गया है यहाँ पे एन डिवाइड बी, एन डिवाइड बी मीन्स एन इज सिस्टर ऑफ बी, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, पैटर्नल अंकल हो गया ये। अच्छा ये तो बी ऑप्शन हो गया, यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन नंबर डी पे, ऑप्शन नहीं ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी पे। तो सी को हम चेक करेंगे तो एल माइनस डी दिया गया है, एल माइनस डी तो एल इज फादर ऑफ डी, और डी माइनस एन दिया गया है। डी माइनस एन दिया गया है तो डी इज फादर ऑफ एन, डी इज फादर ऑफ एन, और एन प्लस बी है तो एन इज ब्रदर ऑफ बी, नहीं ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। एल इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। अच्छा एक बार डी को चेक कीजिए, तो एल डिवाइड, डिवाइड तो सिस्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो एल का जेंडर तो फीमेल आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ से किसी एक का चेंज कर दें, एल माइनस डी ठीक है, और सिस्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दे, तो ये तो ठीक है, बी यहाँ तक, डी है वो फादर है, यहाँ पे हम चेंज कर दे तो हमारा आंसर आएगा, है ना। ये एक्चुअली सिंबल को पुट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं तब हमारा डायग्राम सही बन पाएगा। ठीक है अब देखिए, यहाँ से L का जेंडर मेल आ गया तो L प्लस डी, तो L प्लस डी मीन्स यहाँ पे L इज ब्रदर ऑफ डी ठीक है, और डी मल्टीप्लाई एन मीन्स डी इज मदर ऑफ एन, इसको हटाइए, इसको यहाँ से हटा देते हैं। टाइप करने में सिंबल थोड़ा मिस्टेक हो गया, आ जाइए इधर देखिए, यहाँ पे अब हम सिंबल को चेंज कर दिए तो बी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ले लेते हैं, बी ऑप्शन है एल प्लस डी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बी, ये दिया गया है, तो एल प्लस डी मीन्स एल इज ब्रदर ऑफ डी, डी मल्टीप्लाई एन मीन्स डी इज मदर ऑफ एन, और एन डिवाइड बी मीन्स एन इज सिस्टर ऑफ बी। अब यहाँ से एल है वो मैटरनल अंकल लग गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है एक्चुअली वहाँ पे सिंबल मिस्टेक हो गया था पुट करने में, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट बोला गया है कि पॉल्यूशन एंड एयर क्वालिटी इन दिल्ली बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लेवल ड्यू टू पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल। जो पॉल्यूशन है, जो एयर का क्वालिटी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब कि जितना चाहिए उतना नहीं है, उससे ज़्यादा ही पॉल्यूशन है, काफ़ी ज़्यादा है ये,
स्वीकार्य स्तर से परे हैं, मतलब काफी ऊपर है। और इसके कारण है क्या, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल, जो वाहन है और जो उद्योग है उससे निकले हुए जो भी एयर होते हैं पॉल्यूटेड एयर, वो सबसे बड़ा कारण है। तो एक्शन है, व्हीकल शुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स टू ऑपरेट ऑन ऑड एंड इवेन डेज रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही है भाई, इसको कम करने के लिए ऑड इवेन चला था आपने दिल्ली में, आपने सुना था कि ऑड इवेन चला है, ऑड इवेन के अनुसार से व्हीकल निकलेंगे, है ना। तो फर्स्ट तो सही हो गया ये। सेकंड बोला है द गवर्नमेंट शुड स्टॉप न्यू फैक्ट्रीज। स्टॉप क्यों करेगी, हार्ड एक्शन नहीं लेना है, हार्ड एक्शन नहीं लेना, स्टॉप कर देंगे तो जो भी व्यक्ति रोजगार कर रहे हैं और जो उसके अंदर काम करेंगे उनको तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी ना। तो सेकेंड फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट इज फॉलोस, केवल फर्स्ट फॉलोस होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये फिर से आ गया, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसके डायग्राम को बनाइए, इसका कौन सा आंसर होगा। ये बोला गया है कि ऑल टेबल्स आर लैपटॉप, सभी टेबल क्या है, तो लैपटॉप है, तो ये क्या हो जाएगा, लैपटॉप। आगे बोला गया सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, तो ये कुछ लैपटॉप क्या होगा, कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट बोला गया ऑल कंप्यूटर्स आर स्मार्टफोन, सभी कंप्यूटर स्मार्टफोन है, तो काम करते थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं डायग्राम को, ये हो गया आपका लैपटॉप। लैपटॉप और कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर। और सभी कंप्यूटर क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, सभी कंप्यूटर स्मार्टफोन है, तो ये हो जाएगा स्मार्टफोन। कंक्लूजन बोला है कि सम टेबल्स आर कंप्यूटर, सम टेबल्स आर कंप्यूटर, सही बात है या गलत है, सम टेबल्स आर कंप्यूटर, ये गलत है क्योंकि टेबल और कंप्यूटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, डायग्राम में शो रहा है। पॉसिबिलिटी में ये सही हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला कांड से। सम टेबल्स आर नॉट कंप्यूटर, सम टेबल्स आर नॉट कंप्यूटर, सम टेबल्स आर नॉट कंप्यूटर, ये बोला गया है, तो ये भी क्या होगा कांड से। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं, किसके बीच में, ये कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहा है सम और सम नॉट के बीच में, दोनों कंक्लूजन कांड से आ गया, दोनों में सेम नेम दिया गया, टेबल टेबल, कंप्यूटर कंप्यूटर, मीन्स यहाँ पे आयदर हो जाएगा, आयदर वन और टू। आगे कंक्लूजन देखिए, आगे क्या बोला है, सम लैपटॉप्स आर स्मार्टफोन्स, कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन हैं, बिल्कुल हैं, क्यों, क्योंकि सम लैपटॉप आर कंप्यूटर, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, और जब सभी कंप्यूटर स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन जब कंप्यूटर को कवर करेगा तो लैपटॉप का एरिया अपने आप कवर होगा, कुछ एरिया अपने आप कवर होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा थर्ड वाला, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड। आगे देखिए, सम लैपटॉप्स आर नॉट स्मार्टफोन, सम लैपटॉप्स आर नॉट स्मार्टफोन, ये कांट से होगा, हमें नहीं मालूम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सम लैपटॉप्स आर स्मार्टफोन, ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है सम का, और यहाँ पे निगेटिव रिलेशन दे दिया सम नोट, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड फॉलोस, आइदर फर्स्ट और सेकेंड एंड आइदर थर्ड और फोर्थ। अच्छा, ये नहीं दिया गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर, आइदर फर्स्ट और सेकेंड एंड आइदर थर्ड एंड फोर्थ, ये बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि कुछ जो लैपटॉप है वो स्मार्टफोन भी हो सकता है, ये कांट से देखिए, कंप्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है यहाँ पे, देखिए जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड को चेक किए थे उसी तरीके से थर्ड और फोर्थ में भी हो रहा है, सम और सम नॉट का नेम भी सेम दिया गया है, लैपटॉप लैपटॉप, स्मार्टफोन स्मार्टफोन, है ना। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और एंड आइदर
एंड आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा इमेज आएगा, ये आपसे पूछा है कौन सा आएगा। एक चीज देखिएगा, हम रिलेशन को चेक करेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए, ये जो दिया गया है ये डायग्राम यहाँ पे आया है, तो ये ब्लैक वाला हिस्सा व्हाइट हो गया और व्हाइट वाला हिस्सा ब्लैक हो गया। यहाँ पे देखिए, ये व्हाइट था तो ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक है तो ये व्हाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ये जो ब्लैक दिया गया है तो ये यहाँ पे आएगा और ये व्हाइट होगा और ये क्या हो जाएगा, ब्लैक होगा। ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा ये वाला हिस्सा। तो ये कौन से में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लैक है वो नीचे के एरिया में आएगा, नीचे वाला पार्ट में आएगा। ये तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसमें नीचे आ गया, बीच वाला डायग्राम, मतलब कि यहाँ पे ये प्लस वाला सिंबल आ जाएगा, डार्क वाला। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाला जो दिया गया है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस टाइप से बनेगा और ये बनेगा आपका डार्क हिस्सा ये वाला। तो ये डार्क हिस्सा, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया। आगे देखिए, ऑप्शन बच गया हमारे पास बी और डी। अभी यहाँ पे अगर मैं ये लेता हूँ, ये बॉक्स लेता हूँ और इसमें तीन सिंबल आए हुए हैं, तो एक चीज़ बताइए, ये जो यहाँ पे सिंबल आएगा, ठीक है, प्लस है या स्टार है जो भी है यहाँ पे, जो भी है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये सबसे नीचे वाला डायग्राम ऊपर चला गया, तो ये वाला जो ट्रेंगल टाइप का दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंगल टाइप का यहाँ पे आएगा, आएगा ऊपर में। तो ये देखिए ऊपर में क्या आ गया, ये वाला देखिए, तो बी भी गलत हो गया। होगा क्या आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अरे ये क्वेश्चन नंबर 21, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन चल रहा है ये है नंबर एनालॉजी के बीच में, तो यहाँ पे रिलेशन को चेक करना है। यहाँ पे जो रिलेशन चलेगा, सेम रिलेशन यहाँ पे चलेगा, वही रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई करके रिजल्ट को बताना है कि क्या होगा। देखिए, सबसे पहले 10 से चलना है 0 पे, तो ये 10 और 0 का रिलेशन दिया गया, तो हम क्या कर देंगे कि 1 × 0 / 2 कर दें, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 ये जो 16:3 दिया गया है, तो 1 × 6 / 2 कर देंगे तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 12:? दिया गया है, तो 1 × 2 / 2 कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर डिफरेंट है। आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ये सारे नंबर अगर आप देखेंगे तो ये सारे नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है ये। तो जो आपका ऑड हो गया, ये बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बच गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको बताना है कि कौन सा डिफरेंट है, कौन सा ऑड है, कौन सा असंगत शब्द है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये आपसे एक चीज बताइए, जो ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं किसके बारे में स्टडी किया जाता है, हृदय, हार्ट, हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं। और जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, इसे किसके बारे में बोला जाता है, जो गुर्दे की स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। और जो फॉर्मोनोलॉजिस्ट है, इसको किसके बारे में बोला जाता है, जो फेफड़े का होता है। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, ये मन के बारे में स्टडी होता है। तो ये कौन सा आउट हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, ये है एनोलॉजी और ये है वर्ड लेटर एनोलॉजी का, या वर्ड एनोलॉजी, लेटर एनोलॉजी बोली है ना, वर्ड एनोलॉजी अलग होता है, ये लेटर एनोलॉजी है। ये दोनों के बीच में रिलेशन को देखिए, ये दिया गया बी ई ए आर डी, यहाँ पे रिले दिया गया एफ टी सी 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 जी डी, ये दिया गया। अब देखिए,
तो बी में हमने प्लस थ्री, बी में हमने प्लस फोर कर दिया, एफ में, ई में क्या करेंगे? ये देखिए, ये रिलेशन इस तरीके से नहीं चलेगा, है ना? ये रिलेशन कुछ इस तरीके से चलेगा, ये रिलेशन इस तरीके से चलेगा, डी का पोजीशन फोर और एफ का पोजीशन सिक्स, प्लस टू हो गया, आर का पोजीशन 18 और एस का पोजीशन 20, प्लस टू हो गया, ए का पोजीशन वन और सी का पोजीशन थ्री, प्लस टू हो गया, ई का पोजीशन होता है फाइव और जी का पोजीशन होता है सेवन, इसमें भी प्लस टू हो गया। इसके बाद देखिए, इसमें प्लस टू, बी का पोजीशन टू और डी का पोजीशन फोर होता है, तो प्लस टू हो गया। ठीक है, मतलब लास्ट लेटर का फर्स्ट में आया है। उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया क्राउन का, सी आर ओ डब्ल्यू एन, ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो एन का पहले कीजिए, तो पहले करेंगे तो प्लस टू कर देंगे, तो सिक्सटीन, सिक्सटीन पे आएगा पी, कौन सा ऑप्शन? सी, खत्म हो गया, सी नहीं होगा। आगे देखिए, डब्ल्यू में प्लस टू करेंगे तो 23 होता है, 23 प्लस टू 25, वाई होगा, पी के बाद वाई। आगे चलिए, ओ में हम क्या करेंगे? प्लस टू करेंगे, 17 पे आएगा क्यू, आर में प्लस टू करेंगे 20 पे आएगा टी, और सी में प्लस टू कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 पे आएगा ई। पी वाई क्यू टी ई, पी वाई क्यू टी ई, पी वाई क्यू टी ई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी में प्लस टू चल रहा है, समझ में आई बात? आगे चलिए, देखिए ये दिया गया है नंबर और लेटर एनालॉजी, या फिर लेटर और नंबर एनालॉजी। देखिए, यहाँ पे एम है, यहाँ पे सी है, ये टी है, ये पी है, यहाँ पे दिया गया है 8, यहाँ पे दिया गया है 24, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 11। अब देखिए इसके पोजीशन, देखिए 13, 3, 20 और 16। अब देखिए, 13 से 8 पे आने के लिए -5 करेंगे, सी से 24, तो आप एक काम कीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे कि जेड तो 26 होता है, ए को 27 मानिए, बी को 28 मानिए और सी को 29 मानिए, 29 -5 कर देंगे तो 24। ठीक है, तो इसका 20 कितना मानेंगे? 29 मानेंगे, और इसमें -5 कर देंगे तो 24, टी में -5 करेंगे तो 15, पी में -5 करेंगे तो 11। मीन्स सभी लेटर में -5 किया जा रहा है। तो जो ये एक्स एल डी जी दिया गया है, इसमें एक्स का पोजीशन 24, एल का 12, डी का 4, जी का 7, -5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 19, 19 पे होता है एस, और एल में -5 करेंगे तो 7, 7 पे आएगा जी, डी में -5, तो यहाँ पे डी का पोजीशन ले लीजिए 30, -5 कीजिए, 25, 25 पे आता है वाई, और जी में जब -5 करेंगे, जी का पोजीशन 7 होता है, 7, 7, 7, जी क्यों लिख दिया मैंने? ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 और 2 पे होता है बी, एस जी वाई बी। अच्छा, पोजीशन नहीं, लेटर को हटा दीजिए, नंबर ही ले लीजिए, लेटर तो नहीं, नंबर है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, 19 7 25 2, 19 7, ए नहीं बी, 19 7 25 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे रेलवे एएलपी के लिए क्वेश्चंस, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। चलिए, अब सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप लोगों से मुलाकातें होगी अगली सेशन में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरीके से आप लोग इस सेशन को देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्लासेस चल रहे हैं, SSC प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, आप लोग तो वहाँ पे जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।